वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू स्टडी आई की जुडिशरी माई नेम इज प्रवीण कुमार और हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के केसेस आज का जो केस है दैट इज केदारनाथ भट्टाचार्य गोरी मोहम्मद 1886 कलकत्ता का केस है इस केस की जो इम्पोर्टेंस है वो ट्रेस होती है टू प्रोमिसरी एस्टोपल सो एस्टोपल क्या है वो इस केस से स्टार्ट होता है इस केस में एग्जैक्टली प्रोमिसरी अप्लाई हुआ था बट में के लिए केस जो है भूमिका के रूप में है बट हम जो इस केस को पढ़ेंगे हम इसको देखेंगे कि कंसिडरेशन कोर्ट कैसे फाइंड आउट करता है सो so चलिए इस केस को समझते हैं इस केस को समझने से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आपको रेलेवेंट जो प्रोविजंस पता होने चाहिए वो ये है फर्स्ट इज सेक्शन ट्वेंटी फाइव देखिए सेक्शन ट्वेंटी फाइव सिंपल शब्दों में कहता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन विदाउट एनी कंसीडरेशन इज वॉइड सो बेसिकली सेक्शन ट्वेंटी फाइव डिक्लेयर करता है कि अगर किसी भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता एंड दैट मींस इट इज नॉट बाइंडिंग इट इज नॉट बाइंडिंग सो जो इस प्रकार के एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें कंसीडरेशन ही नहीं होती इनको हम बोलते हैं मेयर ग्रेटुइटस प्रोमेसिस यानी बिना किसी कारण के बिना किसी कंसीडरेशन के जो वादे किए जाते हैं जिसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता है उन्हें हम एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन या मेयर ग्रेटुएटस प्रोमिस कहते हैं और ये वॉइड होते हैं यानी कि दीज आर नॉट बाइंडिंग लेकिन देखिए अगर प्रोमिसरी एस्टोपल अप्लाई होता है तो कभी कभी जो ग्रेटुएटस प्रोमिस होते हैं वो भी बाइंडिंग हो सकते हैं बट वो हम सबेंट केसेस में पढ़ेंगे इस केस में ऐसा नहीं बोला गया था राइट सो फर्स्ट पॉइंट जो हमने लॉ पॉइंट इस केस के लिए रेलेवेंट है वो ये है सेक्शन ट्वेंटी फाइव कि बिना कंसिडरेशन के अगर आप एग्रीमेंट करेंगे तो एग्रीमेंट वॉइड होगा सो so, नेक्स्ट जो आपको सेक्शन पता होना चाहिए दैट इज सेक्शन टू क्लोज डी जिसमें कंसिडरेशन डिफाइंड है सो so, बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वॉइड है बट कंसिडरेशन होती क्या है सो so, बेसिकली आपको कंसिडरेशन क्या होती है ये मोटा मोटा सिर्फ दो चीजों में आप समझ सकते हैं कंसीडरेशन बेसिकली या तो एक पार्टी को कोई बेनिफिट हो रहा हो या फिर दूसरी पार्टी को कोई नुकसान हो रहा हो या तो किसी पार्टी को कोई बेनिफिट हो रहा हो या किसी पार्टी को नुकसान हो रहा हो दोनों ही कंसिडरेशन माने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप दुकान पे गए आपने कहा कि मुझे चॉकलेट दे दो मैं बदले में आपको सौ रुपए दूंगा सो so, आप जो सौ रुपये उसको दे रहे हैं उसको बेनिफिट होगा सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट चॉकलेट के बदले में सौ रुपए देना इज कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि सौ रुपए जब दुकानदार को मिलेंगे तो उसको सौ रुपए का बेनिफिट होगा राइट डेट्रीमेंट कैसे हो सकता है कि आप दुकानदार को जाके कहो कि आप जो है मेरा घर बना दीजिए और बदले में मैं आपको एक लाख रुपए दूंगा आप देखिए इसमें बेसिकली वो जब घर बना रहा है घर बनाने का मतलब है कि वो कुछ लेबर कर रहा है लेबर करने से क्या है कि वो कुछ चीजें सफर कर रहा है, राइट मतलब उसको एक हो रहा है, है। रुपए के बदले में वो काम नहीं करता, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता राइट सो so, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर रहा है आपके सौ रुपए के बदले में उसको कुछ नुकसान हो रहा है दैट इज कि वो अपना लेबर जो है यूज करेगा वो मेहनत करेगा सो so, मेहनत करना लेबर करना वो भी एक Consideration है, so, किसी भी पार्टी को अगर बेनिफिट हो रहा है और दूसरी पार्टी को अगर नुकसान हो रहा है that is a valid consideration. Right? अब चलिए इस केस की facts को समझते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं कि एक मस्जिद के अंदर एक मस्जिद के अंदर कंस्ट्रक्शन करनी थी एक मस्जिद के अंदर कंस्ट्रक्शन करनी थी कंस्ट्रक्शन के लिए जो मस्जिद की मैनेजमेंट है उसने लोगों को ऑफर किया कि भैया आप आइए और सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब मतलब कि आप जो है डोनेशन लिस्ट में नाम लिखवा के जाइए सो एक लिस्ट बना ली गई उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के अपने अपने नाम लिखवाए कि मैं सौ रुपए दूंगा मैं हजार रुपए दूंगा मैं इतने रुपए दूंगा मैं इतने रुपए दूंगा ताकि मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन की जा सके सो so, Purpose पहले बता दिया गया था कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और मंदिर ने सब्सक्रिप्शन को इनवाइट किया था कि आप आके हमें पैसे दीजिए बदले में हम कंस्ट्रक्शन मंदिर की करेंगे इस ऑफर की नॉलेज लोगों की थी नॉलेज थी नॉलेज इन द सेंस उनको पता था कि ये जो है कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया सो लोगों ने सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन भी ले ली उसके बाद क्या हुआ जो जो मस्जिद की मैनेजमेंट थी उसने क्या किया कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको जो है पैसे देने की बात आई सो मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी और जो कॉन्ट्रैक्टर था बिल्डर था उसको जब पैसे देने की बात आई तो मस्जिद ने उन सभी लिस्ट के लोगों को कहा कि भैया आप पैसे दीजिए आपने नाम लिखवाया था तो कुछ लोगों ने मना कर दिया उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको डोनेशन क्या दें? बदले में हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है बदले में हमें तो कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए इसमें कोई कंसीडरेशन नहीं है और चूंकि कोई कंसीडरेशन नहीं है तो ये एक मेयर ग्रेट्यूट प्रोमिस है और ये जो है बाइंडिंग नहीं होगा रिपीट करता हूं मस्जिद में कंस्ट्रक्शन के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए इन्विटेशन दी गई लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया उन्होंने कहा कि हम मंदिर मस्जिद में पैसे देंगे इतने पैसे देंगे उस उस भरोसे पे सब्सक्रिप्शन की फेथ पर के लोग पैसे दे देंगे मस्जिद ने क्या किया कॉन्ट्रैक्टर इनवाइट किए और कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया कि भैया आप कंस्ट्रक्शन करिए लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो लोग मुकर गए लोगों को कहा गया कि आप पैसे दीजिए तो लोगों ने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो हम पैसे देने के लिए जिम्मेदार भी नहीं है और उनसे जब पूछा गया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं है तो उन्होंने कहा इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं थी कंसिड्रेशन क्यों नहीं थी उन्होंने कहा कि हमें क्या बेनिफिट हो रहा है हमें बदले में क्या मिल रहा है अगर हम मंदिर में चंदा चढ़ा भी दें तो बदले में हमें क्या मिलेगा तो कोर्ट ने कहा कि कंसिडरेशन में सिर्फ बेनिफिट नहीं होता कंसिडरेशन में डेट्रीमेंट भी होता है यानी कि आपके पैसे देने के वादे के भरोसे पर मस्जिद की ऑथोरिटीज ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है यानी कि अब उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है so, सो आपके आपके वादे के भरोसे पर उन्होंने जो है ठेकेदार को पैसे देने पड़ेंगे वो कहां से देंगे तो उनको जो ये नुकसान हो रहा है उनको जो ये डेट्रीमेंट हो रहा है दिस इज दिस इज अ वैलिड कंसिडरेशन सो आप इस इस केस को इस एंगल से देखिए के कंसीडरेशन में ना केवल बेनिफिट होगा बल्कि डेटरीमेंट भी होगा अगर सामने वाली पार्टी आपकी वजह से कुछ लाइबिलिटी उसकी हो जाती है या वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है या आपके भरोसे पर उसको कोई भी डेटरीमेंट अगर होता है तो दैट इज अ वैलिड कंसीडरेशन सो कोर्ट ने इस केस में बेसिकली कहा कि जो ये सब्सक्रिप्शन में आपने नाम लिखवाया है आपको जो नॉलेज थी कि आपके पैसे से कंस्ट्रक्शन होगी और उसके बाद आपने जब वहां पर नाम लिखवाया है दिस इज एक्सेप्टेंस तो मस्जिद का सब्सक्रिप्शन इनवाइट करना इज ऑफर आपका सब्सक्रिप्शन में नाम लिखवाना इज एक्सेप्टेंस और आपके नाम लिखवाने के भरोसे पर जो कॉन्ट्रैक्टर से पैसे का लेन देन मस्जिद ने कर दिया है दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन तो ऑफर भी है एक्सेप्टेंस भी है और कंसिडरेशन भी है दिस इज अडिंग कॉन्ट्रैक्ट और जिन जिन लोगों ने इसमें सब्सक्रिप्शन लिस्ट में नाम लिखवाया था दे आर लाइबल टू पे मनी। सो दिस वॉज दिस केस एंड दिस केस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें जो है कोर्ट ने बहुत एक फीचर uh, डिस्टिंग्विश किया कि वैलिड कंसिडरेशन में ना केवल बेनिफिट आता है बल्कि सामने वाली पार्टी को अगर कुछ नुकसान होता है दैट इज ऑल्सो अ वैलिड कंसिड्रेशन सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच सी यू टूमोरो एट द सेम टाइम